माय स्टूडेंट्स, देखिए आपको मैं चैप्टर 6 से मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपका एप्रोक्सीमेशन वैल्यू पे बेस है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पे बेस है। इसी तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन, तो इनको आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये इस बार बोर्ड में नहीं आ रहे हैं। जैसे आपको पता है कि इसमें 1/3 पोर्शन जो है आपको मैथ्स का सिलेबस का रिड्यूस कर दिया गया, तो उसमें आपके टॉपिक्स आ रहे हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5th है, आपको दिया है कि शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व। आपको थीटा टू कोई कर्व पे कर्व की इक्वेशन दे रखी है। देखिए ये कर्व की इक्वेशन आपको देखिए, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा। फिर आपको देखा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा। तो इस पे हम अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो शो करना है इट इज ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। डिस्टेंस ऑरिजिन से जो उसकी डिस्टेंस होगी नॉर्मल की वो कॉन्स्टेंट होगी। तो ये आपको किस फॉर्म में देगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको इक्वेशंस दे रखी है, जैसे मैंने आपको पहले भी आपको बताया। तो इसमें अगर आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप इसका डी वाई डी एक्स निकालेंगे। तो इसमें पहले आप डी एक्स और डी थीटा निकालेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो कॉस थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। फिर ए थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 × साइन थीटा। फिर ए थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा। तो इस तरह से आप देखेंगे माइनस ए साइन थीटा और ए साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या आएगा, ए थीटा कॉस थीटा। फिर इसी तरह से वाई इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या दिया, ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा दिया है। तो इसमें फिर अगेन हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी वाई डी थीटा निकाल रहे हैं, तो कॉस साइन थीटा का कॉस थीटा होगा माइनस ए थीटा कॉस थीटा का। आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, थीटा का 1 हो गया इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा। तो मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे एक कॉस थीटा कैंसिल आउट होगा, तो आपको क्या आ जाएगा, ए थीटा साइन थीटा। अब डी वाई डी एक्स निकालना है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जैसा आपको बताया था, तो पहले डी वाई डी थीटा आएगा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा। अब डी वाई डी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, तो कैंसिल आउट होकर क्या आ गया, टेन थीटा आ गया, जैसे हम एम वन कंसिडर कर रहे हैं। अब ये क्या है, टेंजेंट का स्लोप है कर्व पे। अब नॉर्मल का स्लोप निकालना है एम टू, तो माइनस वन अपॉन एम वन होगा, तो इस तरह से नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा। नॉर्मल की इक्वेशंस निकालनी है, तो नॉर्मल की इक्वेशन किस पॉइंट में निकालेंगे, इस थीटा पे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक्स वन क्या होगा, आपको ये हो जाएगा, वाई वन आपका होगा ए साइन थीटा ए थीटा कॉस थीटा। तो फार्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो वाई माइनस वाई वन आपको ये आ जाएगा इधर, ठीक है ना। फिर इसका जो स्लोप है, जो हमने नॉर्मल का स्लोप निकाला कॉट थीटा निकाला है, तो कॉट थीटा को आप रख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एक्स माइनस एक्स वन। अब साइन थीटा को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आएगा माइनस साइन थीटा इंटू वाई माइनस ए साइन थीटा ए थीटा कॉस थीटा। फिर इसी तरह से माइनस कॉस थीटा इसके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर आ जाएगा वाई साइन थीटा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे ए साइन इसके थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। फिर इसी तरह से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस ए कॉस उसके थीटा ए थीटा साइन थीटा। तो ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आप इसे लेफ्ट में ले जा रहे हैं, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, यहाँ पे आपका आएगा ए कॉस उसके थीटा प्लस ए साइन उसके थीटा। ए कॉमन लेंगे तो ये आपका क्या होगा, 1। तो इस तरह से नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी आपकी, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए। अब हमें किसी भी लाइन के आपको कोई पॉइंट देखो, उससे डिस्टेंस निकालनी है। तो जैसे मैंने आपको 11th क्लास में फार्मूला बताया था, वो फार्मूला यूज करेंगे। आपको यहाँ पे मॉडुलस में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऑरिजिन से लेना है तो 0 0, तो एक्स वन वाई वन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 × कॉस थीटा प्लस 0 × साइन थीटा माइनस ए अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपका 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू ए। तो इस तरह से आपका जो है ए क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। तो नॉर्मल की जो है ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो गया, आपकी कांस्टेंट हो गई, यही हमें शो करना है।
अब देखिए, इसमें आपको जो है क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूँ। मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे लिप्स दिया है जिसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब करा जाता है। लेकिन इंस्क्राइब का मतलब है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो इलिप्स के अंदर लाई कर रहा है। विच वर्ट वर्टेक्स इज लाई एट मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, जिसका एक वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहा है, इसके एक एंड के मेजर एक्सिस के एक एंड पर लाई कर रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया। इसकी इक्वेशन दे देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए, आपका यहाँ पे ये मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था, 2a हो गई, तो ये डिस्टेंस कितना हो आपके a हो जाएगी। अब b पॉइंट हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, x कॉमा वाई है, तो c पॉइंट क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x माइनस वाई। अब y और x दोनों वेरिएबल्स हैं, तो y की वैल्यू कर्व की इक्वेशन इलिप्स की इक्वेशन से इन टर्म्स ऑफ x हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ए डी कितना होगा आपका, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है ए है, ये डिस्टेंस एक्स है, तो टोटल ए प्लस एक्स होगी, और बी सी आपके हो जाएगी 2y। तो एरिया निकाला था हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना होगा 2y, हाइट होगी एक्स प्लस ए, जैसे कैंसिल करके आपका आ जाएगा वाई अंडर ब्रैकेट में एक्स प्लस ए। अब देखिए, अगर y की वैल्यू आप यहाँ से रखते हैं तो स्क्वेयर रूट आ जाएगा, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने में। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वेयर कर रहे हैं, एरिया का एरिया मैक्सिमम हो या उसका स्क्वेयर का एरिया मैक्सिमम, डेट इज द सेम थिंग। अब इसका स्क्वेयर करेंगे तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वेयर, तो यहाँ पे वाई स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे तो बी स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर एलसीएम लेना है तो यहाँ पे ए वन क्या जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट में आपका आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब वेरिएबल क्या हो गया आपका, एक्स हो गया, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ए वन ओवर डी एक्स। तो देखिए, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, पहले इसके मल्टीप्लाई इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो माइनस का 2x पे इसके मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, चेन रूल लगाएंगे 2 इंटू एक्स प्लस ए, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। और मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या कर रहे हैं, डी ए वन ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन कॉन्स्टेंट को हम इधर लिख के तो 0 हो जाएगा, तो इसके अंदर की जो वैल्यू है इसको हम किसके इक्वल रखते हैं, इट इज इक्वल टू 0। कि जो इक्वेशंस है उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका है माइनस 2x इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 इंटू एक्स प्लस ए कॉमन ले लीजिए इक्वल टू 0, तो ये आपका एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू जा रही है माइनस ए, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक्स इक्वल टू माइनस हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ट्राइंगल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसका आपका जो सेकेंड फैक्टर उसको हमने 0 के इक्वल रखा है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए, 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके फर्दर फैक्टर्स करें तो फैक्टर्स करके क्या आ गया आपका, एक्स प्लस ए इंटू 2x माइनस ए इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ से फिर वही कंडीशंस आ रही है आपकी, यहाँ से क्या आ रहा है आपका एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस ए, जो कि आपको यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आपको यहाँ पे जो सेकंड फैक्टर है उसको आप 0 के इक्वल रखेंगे, 2x माइनस ए इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बाई टू आ जाएगा। अब देखिए, आप इसको फर्दर फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, डी टू ए वन ओवर डी ए स्क्वायर, ए के रेस्पेक्ट में कर रही है, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी टू ए वन ओवर डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स से जगह क्या पुट करेंगे, ए बाई टू, तो आप देखेंगे इसके वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगी, डी टू ए वन ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो इससे क्या होगा कि एरिया विल बी मैक्सिमम, यहाँ पे एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने, ए बाई टू निकाली। अब हमें वाई की वैल्यू भी निकालनी है, तो यहाँ हमने एलिप्स के इक्वेशन में पुट कर दें, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है, ए स्क्वायर एक्स जगह क्या रखना है, ए बाई टू, तो इसको सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे क्या जाएगा, अंडर रूट 3 बाई टू वी, क्योंकि ए आपका इससे नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब वाई की वैल्यू, अब जैसे ए जो ट्राइंगल हमने अभी हमने फाइंड करा था, क्या था, वाई इंटू एक्स प्लस सेट ऑफ वाई की वैल्यू से पुट करेंगे, एक्स की जगह क्या रखें, ए बाई टू, तो इसको सिंप्लीफाई करके इसका जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ यहाँ पे आप वैल्यू जैसे पुट करोगे, अंडर रूट 3 बाई 2 इंटू बी, यहाँ पे आप रखेंगे ए प्लस ए बाई 2,
इसको सिंप्लीफाई करें, ए अंडर 3/2, बी इंटू 3a/2, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करके कितना आएगा, 3√3/4ab² यूनिट। तो ये आपको किसका एरिया होगा, मैक्स आपका आइसोसोलस ट्राइंगल का एरिया होगा। तो आज मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, आगे के क्वेश्चंस आपको एज ए नोट्स दे रहा हूँ, तो आपको कुछ क्वेश्चंस आप भी प्रैक्टिस करिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।